नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरा नाम है रविंदर और दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आपकी वीआई की सिम में या आइडिया की सिम में या ओल्ड वोडाफोन की सिम में पीओ के कोड ब्लॉक हो गया है तो आप सिम कैसे प्राप्त करोगे, कितना खर्चा लगेगा और आप उस सिम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो जानेंगे गाइस इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और आपका इस वीडियो के माध्यम से काम हो जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस बात करते हैं शुरुआत से। दरअसल होता क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपनी सिम में स्क्रीन लॉक लगा देते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो कुछ लोग तो फोन में लगाने के बजाय सिम में ही कोड लगा देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि आपकी सिम में जो कोड डल जाता है तो वो कोड जो है आपने जो डाला हुआ कोड है या यदि आप उसको गलत एंटर कर देते हो, बार बार उसमें वही कोड गलत एंटर कर देते हो, तो गाइस यहाँ पे होता क्या है कि आपकी सिम में पीओ के कोड मांगा जाता है। तो अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपको पीओ के कोड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं कि पीओ के कोड कैसे मंगाना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों होता है क्या है कि मान लीजिए आपके फैमिली मेंबर किसी से गलती से पीओ के कोड लग गया और उसने उस गलती को छुपाने के लिए बार बार उसमें गलत पीओ के कोड एंटर किया, तो गाइस ऐसे में होता क्या है कि आपकी सिम जो है ब्लॉक हो जाती है और यहाँ पे पीओ के कोड ब्लॉक शो करता है स्क्रीन पर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ दो तरीके से आप अपनी उस सिम को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर वन दोस्तों, पहला है यदि आपके किसी आस पास में कोई भी मोबाइल की शॉप हो जहां पर वीआई की सुविधा उपलब्ध है, सिम एक्टिवेशन करते हैं, एमएनपी करते हैं, तो आप वहां पर जा सकते हैं, आप अपनी सिम को वहां से रिप्लेस करा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको जिस सिम में पीओ के कोड ब्लॉक हुआ था, जो सिम आपकी खराब हो गई है, तो गाइस उस पे लगे हुए डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और जिनके नाम पर, मान लीजिए आपके पिताजी के नाम पर वो सिम कार्ड है या आपके खुद के नाम पर, तो गाइस उनका आधार कार्ड लेकर और जिनका आधार कार्ड है वो, यानी कि दोनों उस मोबाइल की शॉप पे चले जाएंगे जहां पर जो है ये सिम आप रिप्लेस करा सकते हैं बहुत आसानी से। मैं आपको बता देता हूं कि इस सिम में रिप्लेस कराने का आपको मिनिमम कितना खर्चा आएगा। तो गाइस यहां पर आपको 70 रुपए से लेकर 100 रुपए तक सिम को रिप्लेस करा सकते हैं किसी भी नजदीकी रिटेल के पास जाकर। तो गाइस ये हो गया पहला तरीका। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके से। मान लीजिए आपके आसपास में कोई मोबाइल की शॉप नहीं है तो गाइस आप अपनी वीआई की सिम को रिप्लेस कैसे कराओगे, तो यहां पर मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं। मान लीजिए आपके आसपास में कहीं पर भी वीआई का सर्विस सेंटर हो तो गाइस आप वहां पर जा सकते हैं और 25 से 30 रुपए देकर वहां से आप इस सिम को रिप्लेस करा सकते हैं। अब कुछ लोगों का गाइस ये कहना है कि हमारे आसपास में तो हमको मालूम ही नहीं है कि सर्विस सेंटर कहाँ है, तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ सबसे अच्छा तरीका, आप 198 किसी भी वीआई की सिम से 198 पे कॉल करेंगे और वहां पे कॉल करके जब आपकी कस्टमर केयर से बात होगी तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारा पिन कोड सर ये है और हमें हमारे आसपास में जहां पर भी वीआई का स्टोर हो हमें लोकेशन दे दीजिए, हमको अपना सिम रिप्लेस करा रहे हैं। तो गाइस वो बता देंगे कि आपके आसपास में वीआई का स्टोर कहाँ है, आप वहां जाकर अपनी सिम को रिप्लेस करा सकते हैं। तो गाइस इसमें जो है आप ध्यान रखें, कभी भी अपने मोबाइल पर लॉक लगाएं तो कभी भी गलती ना करें जिससे कि आपका पीओ के कोड ब्लॉक हो जाए। और दोस्तों ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि आपका जो यदि सिम का पीओ के कोड ब्लॉक हो गया है आप उसको खोल सको, 101% गाइस इसमें आपको नया सिम कार्ड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 10 बार पीओ के कोड गलत एंटर करने से आपकी सिम का पीओ के कोड ब्लॉक हो जाता है और ब्लॉक हुए पीओ के कोड को कोई अनलॉक नहीं कर सकता है। ऐसे में गाइस आपको जो है सिम जो है रिप्लेस ही करानी होगी, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। तो दोस्तों आप कितनी भी वीडियो देख लो, आप किसी भी वीडियो में पीओ के कोड यदि ब्लॉक हो जाए, अगर वो आपको खोल के दिखा दे तो मैं आपको मान जाऊं और उस खोलने वाले बंदे को मान जाऊं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी एक रिटेलर हूं, मेरे पास भी कुछ कस्टमर ऐसे आ जाते हैं जिनका पीओ के कोड ब्लॉक हो जाता है और ब्लॉक होने के बाद गाइस यही है कि आप उसको रिप्लेस नहीं करा सकते। तो यहाँ पर जो आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, सही तरीका जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको चुन सकते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज गाइस हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।